पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में पकोड़े को रोजगार से क्या जोड़ा, पूरे देश में पकोड़े पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपने पहले राज्यसभा भाषण में पकोड़े को बिजनेस बताया तो इस पर बहस ने जोर पकड़ लिया। जब हर तरफ पकोड़ा पकोड़ा हो रहा है तो हमने सोचा क्यों ना आपको वो जगह बताई जाए जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पकोड़ा खाने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी मथुरा आते थे तब यहां के चौक बाजार में जाते और मूंग दाल के बने पकोड़े जरूर खाते थे। यही नहीं, जब मथुरा से कोई दिल्ली जा रहा होता तो उसे भी ये पकोड़े मंगवा लेते थे। अटल जी को मथुरा के चौक बाजार के स्थित सुरेश पकोड़े वाले की दुकान के पकोड़े बेहद पसंद थे। 40 साल पुराने इस दुकान पर आज भी पकोड़ों के शौकीनों की भीड़ लगी रहती है। सुरेश पकोड़े वाले के यहाँ औसतन हर रोज 50 किलो पकोड़े रोज बिकते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान एंकर से ये पूछा था कि क्या आपके चैनल के बाहर ठेला लगाकर पकोड़े बेच रहे आदमी को एम्प्लॉयड मानेंगे या नहीं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।